सो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब मस्त होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। गाइस, आप सबको पता है कि कुछ ही दिनों बाद में खुशियों का त्यौहार आने वाला है, दीपावली। तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और स्क्रीन में देख ही पा रहे हो कुछ इस टाइप का दीपावली न्यू कॉन्सेप्ट फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूँ आज आपको। और देख ही सकते हो गाइस, फोटो बहुत ही हौसम लग रहा है। अगर आपको ऐसा फोटो बनाना है मेरे भाई हो तो इस वीडियो को बिना स्क्रीन फुल वॉच करना होगा, तो बिल्कुल आप भी ऐसा फोटो एडिट करना सीख पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको एक फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी और उस फ़ोन से कुछ ही टाइप का इस पोस वाला फ़ोटो आपको क्लिक करवाना है। क्लिक करवाने के बाद गाइस, इस फोटो का बैकग्राउंड आपको रिमूव कर लेना है। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है तो मेरे भाइयों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा वीडियो का, उस वीडियो को देखकर आप वन क्लिक में अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर पाएंगे। तो इसका बैकग्राउंड हमने ऑलरेडी रिमूव कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है मेरे भाइयों, तो कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट। और तो सो गाइज, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको ये बैकग्राउंड और PNG आपको मिल जाएंगे मेरे भाइयों। मैं बता दूंगा आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है? तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको जो ये बैकग्राउंड है ना, इसको आपको शेयर आइकन में क्लिक कर लेना है। और शेयर आइकन में क्लिक करने के बाद इस बैकग्राउंड को आपको शेयर कर लेना है स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है मेरे भाइयों? ये देख सकते हो गाइस, इसके अंदर आप बैकग्राउंड को शेयर कर लेना है, ठीक है? सो माय यूट्यूब फैमिली, देख पा रहे हो हमारा बैकग्राउंड है ना आ चुका है स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। आ जाने के बाद गाइस, हम करेंगे इसके ऊपर फोटो को ऐड। फोटो को ऐड कैसे करना है मेरे भाइयों, आपको यहाँ जाना है, ठीक है? यहाँ जैसे ही जाओगे ना, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर देखने लगा इम्पोर्ट मैजिक, इसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? इसमें जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको भी तो यहाँ गैलरी ओपन हो जाएगी, तो जहाँ आपका फ़ोटो है ना, वहाँ से फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो फाइनली मैंने फ़ोटो ले लिया। लेने के बाद मेरे भाई, उसको पकड़ कर कुछ प्रकार से यहाँ रख लेना है, चित्र के से देख लेना, ऐसे रख लेना है, ठीक है? रख लिया हमने। तो ऐसे रखने के बाद मैं फाइनली यहाँ से राइट में क्लिक कर लेता हूँ। राइट में क्लिक करने के बाद मेरे भाई, मैं क्या करूँगा, मैं फिर वहाँ पर ही जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर जाने के बाद मैं फिर से इम्पोर्ट मैजिक में क्लिक कर लेता हूँ, और जो बाकी PNG रह गए ना, उनको मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है? तो मैं एक एक करके PNG को ले लेता हूँ फटाफट से। सो गाइस, देख ही पा रहे हो हमने सभी PNG ले लिया। और लेने के बाद मेरे भाई, आपको कैसे सेट करना है इस PNG को, आपको पहले यहाँ जाना है, ठीक है? यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर पूरे PNG आ जाएंगे और बैकग्राउंड भी आ जाएंगे और हमारा फोटो भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जिस PNG को सेट करना है ना, पहले उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो फाइनली मैं इस PNG में क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है? इसमें क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है मेरे भाई? यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन है ना, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। और इसमें क्लिक करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, PNG को इस प्रकार से देख सकते हो, जैसे छोटा किया इस प्रकार से रोटेट हो गया। तो मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है? ऐसे यहाँ रख लेता हूँ मेरे भाइयों, ठीक है? इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और कुछ इस प्रकार से यहाँ रख लेता हूँ। रखने के बाद फाइनली आपको यहाँ से राइट वाला आइकन देने मिलेगा, तो राइट में क्लिक कर लेना है। और राइट में क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद आपके सामने कुछ प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको इस PNG में क्लिक कर देना है ऊपर वाले में। इसमें क्लिक करने के बाद आपको फिर यहाँ जाना है, ठीक है मेरे भाइयों? यहाँ जाने के बाद आपको फिर से इसमें क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद इसको छोटा कर लेना है, और छोटा करने के बाद कुछ प्रकार से यहाँ लगा लेना है। देखते हो कुछ प्रकार से ऐसा लग रहा है कि हम इसके जला रहे हैं, ठीक है मेरे भाइयों? तो ऐसे करना, करने के बाद फाइनली आपको राइट में क्लिक कर लेना है। राइट में क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ जाना है मेरे भाइयों। यहाँ जाने के बाद आपको जो फुल चढ़ी वाला है PNG, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको वही प्रोसेसिंग करना है, यहाँ जाना है। और सॉरी यहाँ जाना है, ठीक है? यहाँ जाने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फुल चढ़ी को इस प्रकार से छोटा कर लेना, और छोटा करने के बाद कुछ प्रकार से अपने हाथ के ऊपर ऐसे लगा लेना है, ठीक है मेरे भाइयों? ऐसे मैं लगा लेता हूँ इसको, ठीक है? इसको छोटा कर लेता हूँ और कुछ प्रकार से लगा लेता हूँ, ताकि ऐसा लगे कि इसके ऊपर आग लगा रहा है, ठीक है मेरे भाइयों? तो इस प्रकार से करने के बाद फाइल मैं यहाँ से राइट कर लेता हूँ। राइट करने के बाद मेरे भाइयों, आपको यहाँ जाना है फिर से, ठीक है? यहाँ जाने के बाद जो फूल चढ़ी वाला PNG है, इसको मैं यहाँ नीचे की तरफ ले आऊँगा, ठीक है? यहाँ लगा लूँगा मैं, ठीक है? लगाने के बाद फाइल में यहाँ से कुछ नहीं करूँगा गाइस, आपको ये हमारा जो पेस है इसको स्मूथ करने वाले हैं। स्मूथ कैसे करना है आपको,
यहाँ जाना है आपको, ठीक है। यहाँ जाने के बाद आपको लाइब्रेरी ओपन कर लें, तो अभी लाइब्रेरी ओपन है तो स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ आ जाना है और आपके सामने कुछ कार के ब्रश देने मिलेंगे, तो इनमें से आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है मेरे भाइयों। सेटिंग में जाने के बाद जो बीच वाले इसको दो और उसके नीचे वाले इसको भी दो और ऊपर वाले को रख लेना आप, यहाँ से कम कर लेना इसको 21.3 कर लेना और कम ज़्यादा इसी को करना है, ठीक है। ये दोनों को आपको कुछ भी नहीं करने का और यहाँ से कट कर लेना है। फाइनली कट करने के बाद फाइनली आपको यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद अपने फोटो में आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद जूम कर लेना। जूम करने के बाद कुछ प्रकार से अपने पेज के ऊपर ब्रश को चला लेना है। देखते हो जो भी दाग हो रहे हैं इस प्रकार से रिमूव हो जाएंगे, तो आपको इस प्रकार से ब्रश को चला लेना है और अच्छी तरीके से आपको स्मूथ कर लेना है अपने पेज को। देखते हो मेरे भाइयों मैं जैसे ब्रश को चला रहा हूँ कितनी अच्छी तरीके से स्मूथ हो पा रहा है, तो आपको कुछ प्रकार से स्मूथ कर लेना है अच्छी तरीके से, देख सकते हो, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे ब्रश को चला रहा हूँ ना, हमारा जो पेज है ना वो बहुत ही प्यारे तरीके से स्मूथ हो पा रहा है, तो कुछ ही टाइप से आपको ब्रश को चला लेना है। देख ही पा रहे हो मेरे भाइयों, ठीक है। तो कुछ प्रकार से मैं जल्दी जल्दी स्मूथ कर लेता हूँ और आपको इस प्रकार ब्रश को गोल गोल घुमाना और आपको अच्छी तरीके से स्मूथ कर लेना है, ठीक है। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। सो गाइज स्मूथ हो चुका है। तो गाइज इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखते हो जो पैर है ना इसके नीचे हम शेडो बनाएंगे। तो शेडो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको प्लस वाला आइकन में क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद व्हाइट वाली लेयर ओपन हो जाएगी, तो इस लेयर को नीचे की तरफ ले आना है, ठीक है। लाने के बाद आपको यहाँ जाना है मेरे भाइयों, ठीक है। जाने के बाद आपको लाइव ओपन कर लेना है और लाइव ओपन हो जाने के बाद स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ आ जाना है, ठीक है। आने के बाद आपके सामने कुछ प्रकार के ब्रश देखने मिलेंगे, तो इनमें से आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग देख लेना। सेटिंग देखने के बाद आपको बीच वाली ना सेटिंग में आने के बाद जो नीचे वाली इसको शो कर लेना और ऊपर वाली ना गाइस इसको आपको यहाँ से 14.7 कर लेना और यहाँ से कट कर लेना। कट करने के बाद मेरे को आपको यहाँ से कलर वाले ऑप्शन में जाना है। कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से कट कर लेना है, ठीक है। सॉरी मैं बैक आ गया यहाँ से। कट करने के बाद मेरे भाई जूम कर लेना और जूम करने के बाद कुछ प्रकार से ब्रश को चला लेना है। देख दो गाइस जैसे मैं ब्रश को चला रहा हूँ तो ब्लैक ब्लैक शेडो बन रहा है, तो कुछ प्रकार से अपने पैर के ऊपर इस प्रकार से शेडो बना लेना है। ये बहुत ही अच्छा लगता है गाइस, इससे क्या होता है गाइस ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल है, ठीक है मेरे भाई। इतना हो जाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, आपको थ्री डॉट देने मिलेगा। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद शेयर वाले आइकन में क्लिक कर लेना और इस फोटो को आपको लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेना है। सो गाइस देख सकते हो हमारा फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है। आ जाने के बाद मेरे भाई स्क्रॉल करके इधर आ जाना है। आने के बाद मेरे भाई आपको कलर में जाना है। कलर में जाने के बाद आपको मिक्स में क्लिक कर लेना है और मिक्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर देना है। दो नंबर में देने लगा ऑरेंज कलर सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे नीचे वाली लाइन है इसको आपको माइनस कर लेना है। जो नीचे नीचे वाली गाइस लाइन है ना, तो इसको आपको प्लस कर लेना है, ठीक है। इसको जैसे प्लस करोगे हमारे पेज में चमक आ जाएगा, तो इसको ज़्यादा नहीं करना, 24 प्लस कर लेना है, ठीक है। 24 प्लस हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ से पेस्ट वाला जो कलर है सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद जो बीच वाली लाइन गाइस इसको आपको हल्का सा माइनस कर लेना है, माइनस 12 कर लेना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको इधर रख लेना है 35 माइनस और जो बीच वाली लाइन गाइस इसको आपको प्लस शो कर देना है मेरे भाइयों, ठीक है। इतना हो जाने के बाद फिर आपको इस वाले कलर में क्लिक कर लेना है। इससे क्या होता है गाइस इस कलर से अपने कपड़ों में देखते हो कलर चेंज हो रहा है, तो आपको इसको इधर कर लेना है 50 प्लस और उसके नीचे वाले इसको आपको पूरा 100 प्लस कर देना है। फिर आपको इस वाले पास में कलर है ना इसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस इससे देखते हो कलर मैचिंग हो रहा है ना बैकग्राउंड के ऊपर और कपड़ों के ऊपर, तो इसको माइनस कर लेना है आपको माइनस 38 और उसके नीचे वाले ना इसको आपको प्लस 30 कर देना है। इतना हो जाने के बाद फाइनली आपको डन में क्लिक कर देना है। डन में क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से कलर आ जाएंगे, स्क्रॉल करना और इस वाले कलर में क्लिक करके इसको बढ़ा लेना है, ठीक है। इसको यहाँ से 34 प्लस कर देना है। 34 प्लस हो जाने के बाद हम आ जाएंगे ऐसे बैक आने के बाद स्क्रॉल करके इधर आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ से डिटेल्स में जाना है और फर्स्ट में शार्पिंग, तो शार्पिंग यहाँ से इंक्रीज कर लेना है 42 प्लस और नीचे स्क्रॉल करके आना मार्किंग और निवास दोनों को आपको बढ़ा लेना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना 30 प्लस और इसको आपको 30 प्लस कर देना है। इतना हो जाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना मेरे भाइयों, आप जूम करके देखते हो फोटो में कितना अच्छा लुक आ चुका है बिफोर एंड आफ्टर, ये देखते हो गाइस। तो गाइस इसको डाउनलोड कैसे करना है, हमारा फोटो एडिटिंग हो चुका है, तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको शेयर आइकन में क्लिक कर लेना ऊपर की तरफ और यहाँ से सेव टू डिवाइस में क्लिक कर लेना, गैलरी में सेव जाएगा। तो
तो गाइस आपको बैकग्राउंड कहाँ पर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप बैकग्राउंड और PNG डाउनलोड कर लेना। आई होप कि गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना।